हाँ नमस्कार बच्चों, अध्याय 7 हमारा चल रहा था क्लास 9th के लिए, और त्रिभुजों की सर्वांग समता एवं असमिकाएं। आज हमारा जो टारगेट है वो है 7.3, और 7.3 में 5 सवाल हैं बच्चों। उसके बाद में सीधी प्रश्न वाली है जो आप स्वयं हल कर लेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि 8वां जो चैप्टर है वो अभी अर्धवार्षिक के सिलेबस में नहीं है, तो 7वीं के जस्ट बाद में हम 9वीं में चलेंगे, और 9th में जो 9th, अगर आपने देखा हो चतुर्भुज का जो चैप्टर है 9.1 और 9.2, वो हम यहां से लेंगे बच्चों, 9.1 एंड 9.2। लेकिन उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो 9वीं में रचना संबंधी है, कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल का। तो हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चों के पास में ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता, कभी स्केल नहीं होती, कभी पेंसिल नहीं होती, तो हम ये चाहते हैं कि 9.1 और 9.2 के आगे की जो एक्सरसाइज है वो अपने स्कूल स्तर पे बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग, कि वो कोण बनाना भी जानते हैं या नहीं जानते, एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण का समद्विभाजक करना हो वो भी जानते हैं या नहीं जानते, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक भी जानते हैं या नहीं जानते, तो उनके अकॉर्डिंग 9.3 और उसके आगे की एक्सरसाइज वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अध्याय 7 के बाद में आज संभवतः हमारी ये 7.3 हम कंप्लीट करना चाहेंगे। आइए सीधे हम सवाल पे ले चलते हैं आप लोगों को। पेज नंबर 160 निकाल लीजिए। यस, एक्सरसाइज 7.3 160। पहला सवाल सिद्ध करने वाला, 4 पार्ट इसमें है। सवाल हम बोल के बता रहे हैं, चित्र आप लोगों को दिया गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उनको कहते हैं जिनमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। यदि एडी बढ़ाने पर, एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि। तो आपको जो 4 पार्ट सिद्ध करने वो भी हम बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम हम बना लेते हैं आप लोगों के सामने, ध्यान दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए बच्चों, हम थोड़ा सा चित्र बड़ा बना लेते हैं। वन सिक्स जीरो, यस, बड़े चित्र में पीछे वाले बच्चे भी आसानी से देख सकेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। और सवाल के अनुसार हम इनमें नाम दे रहे हैं, ये ए बिंदु है, बी, डी, पी और इधर है सी। यस, ध्यान दीजिए, पहला सवाल वापस से देखिए क्या कहा गया है। त्रिभुज एबीसी और डीबीसी दोनों ही बीसी पर बने समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। बच्चों ये लाइन खींचने से अपने आप भुजाएं बराबर कहती है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब आपको क्या कहा गया है कि एडी को आगे बढ़ाने पे बीसी को वो पी बिंदु पर मिलती है। जो सिद्ध करना है वो हम आपको बता रहे हैं, टारगेट क्या है हमारा सिद्ध करना है। और पहले हम वही हमेशा की तरह से पहले आप लोगों को रफली समझाएंगे, फिर फेयर में बताएंगे किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम, त्रिभुज ए सी
पी। आइए जरा बताएं आपको कहां कहां ये त्रिभुज है, ए बी डी, ए बी डी, इधर लेफ्ट साइड में ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ए सी पी, ए सी, एक मिनट जरा इसको हम चेक कर ले, ये ए सी डी है बच्चों यहां पे, यस, वो तो सर्वांगसम हो ही नहीं सकता, तो गलती तो अपने यहां पकड़ में आती है बच्चों, घबराइएगा नहीं। ए बी डी, ए बी डी, ए सी डी के सर्वांगसम है। अब सुनो बच्चों क्या करेंगे, इधर ध्यान दो आप लोग, ये जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं ना, इनमें देखो ये भुजा इसके बराबर दिया है, ये भुजा इसके बराबर दिया है, और ये जो एडी है ना, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष भुजा, बस। तो ट्रिपल एस नियम लग गया इसमें, एस एस एस, वो अभी हम लिखवा देंगे, सर्वांगसम ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद में अगला पार्ट है त्रिभुज ए बी पी, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी, यहां है वो पी जो हमने पहले लिख दिया था। अब इसमें क्या है बच्चों सुनो, ए बी पी, ए सी पी के सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो हमने ये जो कोण है ना बच्चों, बी ए पी सी ए पी के बराबर है, पहले पार्ट से निकल के आ गया ये सीपी सी टी जिसको कहते हैं, ठीक है, संगत अवयव होते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के, वो स्वयं बराबर होते हैं, तो ये कोण निकाल लेंगे, और फिर ए बी ए सी के बराबर, ए पी उभयनिष्ठ, तो ये दोनों हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। देखो उभयनिष्ठ कैसे पकड़ते हैं, देखो ए पी, ए पी, इधर में ए डी, ए डी, ऐसे उभयनिष्ठ को यूं दिखते हैं उभयनिष्ठ। अब तीसरा पार्ट क्या है इसी में सिद्ध करने में, पार्ट नंबर थ्री, एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, एपी शॉर्ट में हम लिख देते हैं कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक है, कहने का मतलब समद्विभाजक है कौन, एपी। और तीसरे के बाद में जो चौथा पार्ट है वो है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, एपी रेखाखंड किसका, बीसी का लंब समद्विभाजक है। इसमें क्या क्या शब्द आ गए देखिए, लंब भी है समद्विभाजक भी है, तो इसमें दो बातें हमारे को सिद्ध करनी है, यस, देखिए कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट हमने आपको समझाया था, उसको हम ले रहे हैं, रचना की इसमें जरूरत नहीं है, सीधे उपपत्ति के पद पे हम चल रहे हैं, उपपत्ति प्रूफ डायरेक्ट आप फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, दोनों त्रिभुजों में सीधे दिख रहे त्रिभुज ए बी पी, ए बी डी एवं कौन से में, त्रिभुज ए सी डी में, अभी लिखना बंद कर दो बच्चों आप लोग, पहले देंगे हम वक्त आप लोगों को, ध्यान दीजिए, ए बी डी एवं ए सी डी में क्या क्या तीन बातें बताई थी मैंने, ए बी बराबर ए सी दिया है, और बी डी सी डी के बराबर है, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, ये भी दिया है, और तीसरी चीज जो अभी मैंने उभयनिष्ठ बताई कौन सी, एडी, एडी बराबर एडी, उभयनिष्ठ कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी, किस नियम से हुए ये, हाँ हाँ, एस 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 नियम से, भुजा 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 नियम। और अब ये कोण हम सीपीसीटी से उठा सकते हैं, कभी भी काम में ले सकते हैं,
ध्यान रखिए इनके कोणों के हम नाम लिख देते हैं, कोण एक बराबर कोण दो, इसको अभी यूज ले लीजिए, कोण एक बराबर कोण दो सीपीसीटी, बाद में यूज लेंगे हम इसका। समीकरण नंबर एक बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेना चाहेंगे, ए बी पी, ए बी पी सर्वांग सम सिद्ध करना है ए सी पी के, ए सी पी के, तो वो क्या क्या करेंगे बता रहे हैं हम अभी। यस, इसको तो उतारिएगा आप लोग, सेकंड पार्ट अभी आप और हम मिलके इस तरफ ले लेंगे बच्चों, इसको तो उतारिए आप लोग फर्स्ट पार्ट को। यस बच्चों, उतारने में ध्यान दीजिए। अब हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं, यहां से आपको नजर आ जाएगा बच्चों। देखिए त्रिभुज एबीपी एवं त्रिभुज एसीपी में वही तीन बातें हमारे को बराबर सिद्ध करनी होती है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एबी बराबर एसी, जैसे यहां लिखा था ना, दिया है, हम नहीं कह रहे दिया है। और ये कोण बराबर समीकरण नंबर एक से, कोण एक बराबर कोण दो समीकरण एक से, इसीलिए तो लिख के गए थे कि बाद में काम में लेंगे। और इसमें जो एपी है ना, एपी एपी वो ओबेरिस्ट भुजा है, एपी बराबर एपी उभयनिष्ठ, इतना भी लिख सकते हैं आप, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ काम चल जाएगा कॉमन साइड। तो ये ट्रायंगल एबीपी सर्वांगसम हुआ किसके, एसीपी के, त्रिभुज एसीपी के, हाँ त्रिभुज एसीपी। और इसका कारण बताइए, एस ए एस नियम, एस ए एस नियम से। यहां कौन सा नियम लगा था, ट्रिपल एस भुजा 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 नियम, इसमें है साइड एंगल साइड नियम, ठीक है। देखिए तो ये समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, ये दोनों पार्ट के बाद में एपी वाली बात हम ले रहे हैं। तो बच्चों यहां पे कोण, ये एक बराबर हमने कोण दो बोला ना, निकाला ना, तो हम कह सकते हैं एपी कोण ए का समद्विभाजक है। और इसी तरह से ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर इस डी को मैं इधर लिख रहा हूं और यहां हमने कोण तीन बराबर कोण चार लिख लिए, तो ये भी एक मिनट, तीन और चार आपको बराबर बता रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम लिए थे ना बच्चों, तो कोण तीन बराबर कोण चार सीपीसीटी से होंगे। अगर आपको तीन चार नहीं दिख रहे हो तो अभी दिखा देंगे आप लोग, चिंता ना करो, ठीक है। तो तीन बराबर कोण चार सीपीसीटी से, और ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि एपी कोण ए और कोण बी के, कोण ए तथा कोण, एक मिनट जरा, कोण ए और यहां डी है बच्चों इस जगह पे, कोण डी के समद्विभाजक हैं, ठीक है। तो इनके आधार पे हम लिख सकते हैं,
तो सवाल इसमें फर्स्ट पार्ट आपने उतार लिया होगा, अब हम इस जगह पे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोगों को समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, थर्ड में केवल इतनी सी बात लेनी है, कोण एक बराबर कोण दो सीपीसीटी, कोण तीन बराबर कोण चार सीपीसीटी। इस सीपीसीटी में वो दोनों त्रिभुजों का भी जिक्र कर सकते हो चाहो तो। अतः इस बात से हम कह सकते हैं, वो बच्चों कोण एक दो लिखने से आप वो बच गए कि बी ए डी लिखें या बी ए पी लिखें, उसको इजी हो गया ये। अतः एपी कोण ए तथा कोण डी का लिख दीजिए या के लिख दीजिए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है कौन एपी। और इसके बाद में इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक तो कैसे आएगा, बीपी बराबर सीपी, सीपी सीटी से, बीपी बराबर सीपी, ये तो सीपी सीटी का पार्ट है। और कोण यहां पे भी हम जिक्र कर रहे हैं पांच और छह कोण का, तो कोण पांच बराबर कोण छह, ये भी सीपी सीटी से बराबर है। बच्चों सेकंड पार्ट में जो हमने त्रिभुज लिया है ना उसके पार्ट हैं ये। और चूंकि कोण पांच प्लस कोण छह बराबर 180 डिग्री रेखीय युग्म बना रहे हैं, रेखिक युग्म, इससे हम क्या कह सकते हैं, अतः कोण पांच बराबर कोण छह बराबर 90 डिग्री। तो एक बात तो ये बराबर हैं और एक बात इनके कोण 90 डिग्री है। तो इसके बाद की लाइन आप सीधी ये लिख सकते हैं, निष्कर्ष निकला कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। बस डायरेक्ट ये निष्कर्ष निकला, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, वो आप नीचे की लाइन में लिख लेंगे। अब हम कह सकते हैं कि एपी रेखाखंड बीसी का, बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। हो सकता है बच्चों ये लाइन आपको नहीं दिख रही हो, समद्विभाजक है तो यहां से देख लीजिएगा, यही लाइन हमने लिखी है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पार्ट बड़ा था इसलिए इसमें थोड़ा सा मैटर ज्यादा आ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे तो आप लिख पाएंगे। अब 7.3 के दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, दर्शाइए कि, दो पार्ट इसमें भी सिद्ध करने हैं। एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है और एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो ये बिल्कुल बेहद आसान लगेगा आप लोगों को सवाल नंबर दो। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज पर ही आधारित है सवाल नंबर दो, और जब पहले सवाल में इतने पार्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिए तो सवाल नंबर दो में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, चित्र दिया नहीं गया है, कहा गया है एडी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, ये ए बी सी, और एडी इसका शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब,
शीर्ष लंब से मतलब है 90 आप लोगों को दिया है, इधर और इधर 90, ठीक है। और आपको जो सिद्ध करना है वो दो पार्ट इसमें सिद्ध करने हैं। और बच्चों सुनो, पहले ऐसा भी हो सकता है कि हम आप लोगों को कुछ संकेत लिख के आप लोगों को स्वयं करने के लिए छोड़ दें इसमें, ठीक है। अंतराल वाले टाइम में आप खुद निकालना, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा बच्चों आप लोगों को। देखिए, हमें जो दो पार्ट सिद्ध करने हैं वो फर्स्ट पार्ट है एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यस। तो बच्चों सुनो, ये जो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं ना, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर देना। कैसे? समद्विबाहु त्रिभुज तो बोला ही है, तो ये तो इसके बराबर ही है। एडी कॉमन है और डी 90 है, तो इसमें लगा आर एच एस नियम, उससे ये सर्वांग सम हो जाएंगे, सर्वांग सम से ये बात निकल के आ जाएगी सीपीसीटी से। इसी तरह से एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है, करता है। ये दोनों ही चीजें सर्वांगसम होने के बाद में सीपीसीटी के रूप में निकल के आ रही है, है ना बच्चों? तो आप ये इधर का पहले वाला सवाल का पार्ट तो हम मिटा रहे हैं, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा, जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यस, तो दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कीजिए, और ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप स्वयं कर पाएंगे। अगले एक दो मिनट के बाद में फिर से हाजिर होते हैं, जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा आईसीटी की क्लास। स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में, बच्चों लेके हाजिर हम ये सवाल, और आप में से कई बच्चे अभी लिख चुके इसे, तो वो मिला लीजिए इन दोनों त्रिभुजों में जिनका नाम एडीबी और एडीसी है। एबी बराबर एसी दिया है, और एडीबी कोण एडीसी के बराबर है प्रत्येक 90 डिग्री, और एडी कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्यों? कि अगर मैं यहां से पकड़ के दोनों त्रिभुजों को अलग अलग करूं तो दोनों में एडी जाएगी, तो एडी उभयनिष्ठ भुजा। अब एडी बरा एडी बी सर्वांगसम एडीसी के, तो निष्कर्ष क्या निकला कि बीडी बराबर सीडी। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है,
अब इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं, अतः एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। और दूसरी चीज, कोणों के नाम लिख देते हैं हम यहां पे, ये कोण एक, कोण दो, ये सीपीसीटी का पार्ट है। आपको बता रखा है बच्चों मैंने, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। और यहां पे कोण एक बराबर कोण दो, ये भी सीपीसीटी, और इसको पूरे फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये एडी। तो उसका यही मतलब है, कोण एक बराबर कोण दो से निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, हमारे पास में थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर टाइम निकल पाएगा तो हम आज समझा देंगे, आप जल्दी से उतार लीजिए इसे। यस, तब तक हम तीसरे सवाल की भूमिका बना रहे हैं। सवाल नंबर तीन सुन लीजिए आप लोग। त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है, तो आपको दो पार्ट में सिद्ध करना है सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, और चौथे में बी सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, ये तो आर एच एस सर्वांगसमता के नियम से इनको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसी तरह से पांचवे में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ए बी बराबर ए सी है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज इसमें पांचवे में हो जाएंगे, और सर्वांगसम त्रिभुज होने से कोण बी बराबर कोण सी सीपीसीटी से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे उतारिए, तीसरा सवाल हम समझा रहे हैं आप लोगों को। यस बच्चों, उतारते रहिए। सवाल नंबर तीन, चित्र आप लोगों को बुक में भी दिया गया है तो हम बना रहे हैं उसे। यहां पे ध्यान दीजिए, दो अलग अलग त्रिभुज आप लोगों को दिए गए हैं, यस, ये एक त्रिभुज, और इसमें संगत भुजाएं अपने आप स्वतः ही बराबर निकल के आ जाएंगी बच्चों, क्योंकि इसी से हम बना रहे हैं, और ये इससे दूसरा त्रिभुज हम बना रहे हैं। बच्चों आप लोगों के सामने ही बनाया जा रहा है, तो इसी तरह से आप बनाइएगा घर पे। अभी आप हो सकता है रफली बना रहे हो वक्त बचाने के हिसाब से। यहां पे इसकी मध्य बिंदु, माध्यिका कौन सी होती है पता है बच्चों? मध्य बिंदु। इसके मध्य बिंदु से सामने वाले का जो शीर्ष मिलाया जाता है, इसके मध्य बिंदु से सामने वाले जो शीर्ष को मिलाया जाता है वो माध्यिका कहलाती है। अर्थात इसके दो बराबर भाग कर रही है ये, ठीक है ना, माध्यिका, उसको कहते हैं मीडियन। यहां पे क्या क्या नाम दिए हुए हैं, ए बी सी, ए बी सी, और इसमें है पी क्यू आर, ये भुजा इसके बराबर दिया गया है। सवाल नंबर तीन है बच्चों, ये भुजा इसके बराबर और माध्यिका माध्यिका के बराबर दी गई है, और ये जो बीसी है ना बच्चों, फुल बीसी, देखिए यहां पे तो एम बिंदु है और यहां एन बिंदु है,
ये माध्यिका है अर्थात M बिंदु BC का मध्य बिंदु है और आपको दिया गया है BC बराबर QR, तो जब पूरा BC पूरे QR के बराबर है तो आधा BC आधे QR के बराबर होगा, बस वही इसमें खास बात है। तो कैसे करेंगे समझिए, और बच्चों अपने आप को कमजोर मत मानो आप लोग। कई बच्चे कि सर हमारे को ये सिद्ध करने वाले सवाल होंगे ही नहीं हमसे, आप जबरदस्ती समझा रहे, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सब कर लेंगे आप लोग। ध्यान दीजिए यहां बच्चों, अगर मैं ये इसके बराबर बता रहा हूं तो ये पूरी भुजा बता रहा हूं मैं, बीसी पूरी QR के बराबर है, दिया है मैं। अब यहां पे देखिए इसने लिखा है दो AB और BC, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, तीन चीजें हो गई, दूसरे त्रिभुज की PQ और QR के और माध्यिका PN के क्रमशः बराबर है। तो आपको जो सिद्ध करना है टारगेट क्या है वो देखिए, फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN और सेकंड पार्ट त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो एक बार हम थोड़ा सा रफली आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान दीजिए ABM हो गया लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेफ्ट वाले के करना है, तो इसके लिए ये भुजा इसके बराबर दिख रही है, ये भुजा इसके बराबर दिख रही है और BM बराबर QN हमें करना होगा, तो ट्रिपल S से सर्वांगसम हो जाएंगे ये भुजा, भुजा भुजा नियम से। और सेकंड पार्ट ABC पूरा ABC पूरे PQR के सर्वांगसम लेना है, तो जो इधर लेफ्ट वाला किया था ना, इसमें हम ये कोण उठा लेंगे बच्चों CPCT से, कि ये कोण इसके बराबर, उससे फिर ये दोनों बड़े त्रिभुज सर्वांगसम आ जाएंगे SAS नियम से। कैसे, ध्यान दीजिए, सीधे हम उपपत्ति में लिए चल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए BC बराबर क्या दिया है QR दिया है। अब जब ये बराबर दिया है तो हाफ ऑफ BC बराबर हाफ ऑफ QR होगा, तो आधे BC की जगह लेफ्ट वाला पार्ट लिख लीजिए BM और इधर आधे QR की जगह QN लिख लीजिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट पार्ट ही लिखें। समीकरण नंबर एक, अब क्या किया, दोनों त्रिभुजों के लिए हमारे पास में सारी चीजें मौजूद है, एक जो नहीं थी वो हमने समीकरण एक से बना ली, ठीक है बच्चों। देखिए समीकरण एक उस समय यूज आ जाएगा, अब फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में, कौन सी तीन चीजें बराबर है आइए देखें, AB बराबर PQ कारण दिया है, AM बराबर PN दिया है और तीसरी चीज जो नहीं थी वो हमने कर दी, BM बराबर QN समीकरण एक से, इसीलिए तो बनाया था समीकरण एक से। अब बच्चों जब ये तीनों चीजें बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं, यहां लिख रहे हैं बच्चों कि त्रिभुज ABM
सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू एन, नियम हुआ एस 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 नियम से। और अब यहां पे कोणों के नाम हम लिख देते हैं, कोण बी का नाम कोण एक और इसका नाम दो रख देते हैं। तो जब ये त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके तो कोण एक बराबर कोण दो हम लिख सकते हैं। बच्चों ये सवाल नंबर तीन हम समझा रहे पूरा, चौथा पांचवा संभवतः आप लोगों को करने के लिए छोड़ सकते हैं, अगली बार हम नाइन्थ चैप्टर लेंगे बता देते हैं आप लोगों को। इधर कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो सीपीसीटी, और इसको भी कोई समीकरण दे दीजिए। समीकरण एक हमारा खर्च हो चुका है, समीकरण दो दे दीजिए, ठीक है। अब आप इन दोनों त्रिभुजों को ले सकते हैं, सर्वांगसम सिद्ध करने की जो चीजें चाहिए थी वो हमारे पास में मौजूद है त्रिभुज। अब सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज पीक्यूआर में, एबीसी एवं पीक्यू आर में क्या क्या तीन चीजें समान है। हाँ हाँ, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, कोण एक बराबर कोण दो समीकरण दो से, और तीसरी चीज बी सी बराबर क्यू आर ये भी दिया है। बस इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर यही हमें सिद्ध करना था। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये रहा नियम। यहां पे ये लिख दिया, यहां कौन सा नियम आएगा, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से, ये ध्यान रखिए एस ए एस नियम से। जल्दी से उतार लीजिए चौथा पांचवा सवाल, हमें पूरा विश्वास है आप स्वयं कर लेंगे। उतारिए जल्दी से तीसरा, दोनों पार्ट प्रूव हो चुके इसके। उतारने में ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, कुछ आप लोगों की रिपोर्ट अलग अलग जगह से आई बच्चों, हम लोग ले लेते हैं आप लोगों की रिपोर्ट। कल की बात है, केशव विद्यापीठ जामडोली में मैं ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा था, पांच जिलों के शिक्षक आए हुए थे, ठीक है, जयपुर भी थे, अलवर भी थे, दौसा भी था, कोटा भी मौजूद था, और उनमें यही था कि बच्चे लोग थोड़ा सा हमारे उतारने में थोड़ा सा धीमी स्पीड है, काफी शिक्षकों के वो क्लासेस चलती थी, तो वो वैदिक गणित की हमारी ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है बच्चों। कल रविवार का दिन था, तो आप लोग बातों में ध्यान नहीं दीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। अभी नाइन्थ क्लास है, अगले साल आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। उतारिए जल्दी से, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा, और जैसा हमने आपसे कहा अगली क्लास में हम नाइन्थ चैप्टर